चैनल S11 न्यूज आवाज से अंजाम तक। नगर हवेली खानवेल स्थित सदियों पुराने पौराणिक मंदिर के पुनर्निर्माण कराने ग्रामजनों द्वारा हो रहा है प्रयास। दादानगर हवेली खानवेल विस्तार पर आज भी सदियों पुराने पौराणिक भगवान की मूर्तियां स्थित है, परंतु किसी तरह की सुविधा यहां पर नहीं है, जिससे ध्यान में रखकर स्थानीय युवाओं ने आगे आकर मूर्तियों के निकट कंपाउंड एवं आसपास के विस्तार में साफ सफाई की और हमारे मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध किया है कि आदिवासी संस्कृति को बरकरार रखने यहां पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा S11 डीएनए न्यूज पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं हूं खानवेल स्थित एक मंदिर में जो खानवेल पंचायत के जस्ट बाजू में है। आइए जानते हैं किस तरह का पूरा मामला है, क्योंकि भारत में अलग अलग यदि देखा जाए तो भारत से विलुप्त होती जा रही है भारतीय संस्कृति, साथ में स्थानीय संस्कृति और यहाँ की आदिवासी संस्कृति। आइए जानते हैं यहाँ के युवाओं में क्या है बात और क्यों आज ये लोग सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं इस मंदिर में। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आपकी आज जो मंदिर पे यहाँ पर लोग, युवा स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं, देखा जा रहा है मंदिर, उनको आप लोगों ने सभी ने मिलकर यहाँ पर साफ किया, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जैसे है बहुत कुदरती भगवान का मतलब मंदिर है, बहुत पुराने है, 100 साल पहले से हम लोग को भी याद नहीं है, बहुत पुराने है, मतलब बाप दादा से, मतलब बाप दादा की पीढ़ी पुश्तैनी मंदिर है, पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ पे मंदिर है, लेकिन उसका देखभाल मतलब करते हैं, लेकिन उस समय में उस साफ सफाई में मंदिर है वो बाप दादा का है तो उसको साफ सफाई करना जरूरी है, क्योंकि भगवान का अपन भी घर पे रहते थे थोड़ा हर दिन भी पोथा मारते है, लेकिन यहाँ भगवान के भगवान है फिर भी उसको देखते कोई नहीं है, प्रशासन या कोई भी उसको थोड़ा डेवलप करना चाहिए, खींच के लेके जाते हैं हर एक जगह पे उसका फोटो, हम लोग भी टूरिज्म में किधर भी घूमने जाते हैं तो उसका यहाँ का फोटो यहाँ पे है वहाँ जी। एक्चुअली यहाँ पे डेवलप तो करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से नासिक, शिरडी या गुजरात से भी, अहमदाबाद से भी यहाँ पे आते है, इसका समय होता है दशहरे में, दशहरे के समय में उसको तभी फूल हार सब चढ़ता है, उसी समय चढ़ता है, तो उसको मतलब डेवलप होना जरूरी है, कुदरत है, ये शिवलिंग है और अच्छा अच्छा मतलब ये भगवान मतलब पहले पुराना है। लोगों का मतलब आप लोगों के देवता हैं क्या? देवता का क्या नाम है? वीरदेव है, वीरदेव का मंदिर है यहाँ, मतलब शरीर में लेने आते हैं दिवाली में जो जी जी, कितने समय से हमारे आदिवासी भाई सब छोड़ देते हैं, नहीं तो मिर्ची, नहीं धनिया, ऐसा सब छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसी समय में जिस दिन जैसे चोखार, ये अपना चोखार होता है ना अपना दशहरा, उस सब एक दशहरा पहले होता है, उस समय में यहाँ पे आते हैं और पूरा इधर इंजॉय, मतलब जो भी फूल चढ़ाना, दाना धान वान सब चढ़ा के, मतलब जो पूजा पाठ का जो सामग्री रहता है, हाँ सब चढ़ाते है, उसके बाद ही घर पे वो सब खाना चालू करते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूजा होने के बाद ही स्थानीय लोग घर पे अपना खाना पाठ, पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर का खाना पीना चालू, नहीं तो ऐसे मतलब वो समय होता है बाहर रखते हैं जी, दशहरे में मतलब ऐसा के बाहर रखते हैं, वो घर पे भी नहीं रहते, मतलब नए साल की पूजा की स्टार्टिंग जब होती है तो यहाँ से ही आशीर्वाद लेने के बाद होता है, ऐसे ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग को भी छोटा सा एक मंदिर जैसा होना चाहिए, उसको भगवान भी साफ चाहिए, उसको भी अपन सोचते है पत्थर का है, लेकिन पत्थर का नहीं, अपने दिल में भगवान है तो भगवान ही है, बिल्कुल जैसे अपने को जो उसको साफ सफाई करना है, थोड़ा कंपाउंड करना है, अभी हम लोग सब बच्चे लोग ने, सब जितने युवाओं ने मिलकर, हाँ सब ने पैसा निकाला, पैसे का जो भी है 1000 ये निकालो या 500 निकालो, क्योंकि किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है जी, इसके लिए सब ने थोड़ा निकाल दिया और उसके लिए कंपाउंड किया, बगल में सब खाड़ा भाड़ा खोदना चालू किया, हम लोग ने सब अरेंजमेंट किया, यहाँ पे जैसे कि आदिवासी के रिवाज से वो लोग दिखाते हैं तारपा फेस्टिवल, जितना भी वो क्या है वो सब आदिवासी का उसमें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलप करना जरूरी है ना, आदिवासी के भगवान के हिसाब से तो आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल को मनाकर लोगों के बीच में इतने खर्च किए जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इस मंदिर पर भी खर्च करना चाहिए, ये आपकी मांग है? हाँ, थोड़ा सा खर्चा करें, हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट अभी डेवलप हो गया है पूरा, यहाँ का पूरा डेवलप हो गया है, तो थोड़ा हम लोग को भी खुशी मिलेगी, बिल्कुल थोड़ा सा स्थानीय लोगों के दम नाम पर जो यहाँ पर काम होते हैं वो देवताओं के बीच में भी खर्च, कितना किस तरह से लोगों को यहाँ पर आकर एक सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ हमारे लिए लायक है, कुछ ये मंदिर देवता के लिए वही कुछ करे, और ये हमारा समाज है और समाज के लिए आदिवासी समाज का ये देवदूत है। स्थानीय नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे? उससे जो बोलेंगे ना वो मैं नहीं बोलूंगा, रमेश सर ने बोला है और बगल में पंचायत है, सबको मालूम है जी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, अस्थानिक है हमारा देव जी, लोगों के बीच में बैठा है, काफी पुराना है, सदियों से है,
आज हम लोग हमारे युवा, हम लोग युवा की तरफ से हम लोग जो भी सेवा कर रहे हो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए जो भी चाहिए इसकी सुविधा चाहिए। तो थे यहाँ पे युवा हैं जिन्होंने बताया कि इनके सिर्फ एक ही मांग है कि इस मंदिर का निर्माण बस होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी पहल है कि कहीं ना कहीं यदि आज पूरा देश अपने धूम में मचा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये युवा, सिर्फ और सिर्फ ये युवा मिलकर इस मंदिर को निर्माण चाहते हैं, क्योंकि बस ये चाहते हैं कि स्थानीय लोगों की जो पुरानी नीतियां हैं, पुरानी जो प्रथा है, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच जीवित रहे। भारत यदि भारत की बात की जाए तो भारत सदियों से विदेशों में भी यदि पहचाना जाता है तो उसका सिर्फ एक ही श्रेय है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पौराणिक वजह से, अपने पूजा पाठ और अपने देश के रीति रिवाज की वजह से पहचाना जाता है। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत मिश्रा, 11 इंडिया नेशनल न्यूज।